हे पीपल, वेलकम बैक टू टेक टी बी जेड चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। बहुत ही कम लोगों को पता होगा इस बारे में, एक वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस या डेंगू मलेरिया वाला नहीं, बल्कि कंप्यूटर वायरस। हाँ, नॉर्मल वायरस होता तो इजीली अपडेट एंटीवायरस से ही काम चल जाता, बट एक ऐसा वायरस आएगा जिसके बारे में खुद माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने सबको सावधान रहने को कहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, चंद दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम ऑफ सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने ये ट्रैक किया कि 159 यूनिक डोमेन्स, और ये डोमेन्स के फिर एवरेज ऑफ 17,300 यूनिक यूआरएल्स बनेंगे, जो मोर देन 15,300 यूनिक मालवेयर सैंपल्स को होस्ट करेंगे। पता नहीं ये लोग किस जहां से आते हैं जो ऐसे मालवेयर्स को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि हम आपके कमेंट को डिलीट करके आपको भी ब्लॉक कर सकें। खैर छोड़िए, मजाक कर रहा था। वना क्राई रैनसमवेयर, हाँ मुझे पता है ये बहुत पुराना रैनसमवेयर है जो बहुत दिन पहले बहुत लोगों के फ्यूज उड़ा दिया था, लेकिन अभी इसका बाप आ रहा है। इस बाप के बारे में अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर रिसर्च टीम को पहले ही पता चल गया था। उनका कहना है इसका इम्पैक्ट विंडोज के माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, एंडेक्स ब्राउजर और मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर्स पर होगा। और माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम ने कहा कि उसका नाम एड्रोजेक है। ये मालवेयर इंजेक्ट करेगा एड्स पर, और ये सर्च रिजल्ट्स में भी इंजेक्ट कर सकता है, और ब्राउजर के एक्सटेंशन पर मलिशियस एड्स को ऐड करेगा। बाप रे, सिर्फ इतना ही नहीं और भी है। इसका मेन गोल ये है कि लोगों के एफिलिएट पेजेस तक ले जाना, और ये साइलेंटली ऐड कर देगा मलिशियस ब्राउजर एक्सटेंशंस, और चेंज करेगा ब्राउजर सेटिंग्स टू इंसर्ट एड्स इनटू वेब पेजेस पर। और उनका कहना है कि उनका मतलब लूटने वालों का नहीं, जो हमको मदद कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम का कहना है कि ये वायरस सिंस मे से लेकर अटैक्स हुए हैं, अगस्त तक उन्होंने नोटिस किया है मोर देन 30,000 डिवाइसेस पर, मंथली नहीं पर डे। जी हाँ, पर डे मोर देन 30,000 डिवाइसेस नोटिस किए हैं। और भी है दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये मॉडिफाई करेगा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज फाइल्स को पर टारगेट ब्राउजर पर। जिसको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज है उनके लिए फुल समझ नहीं आएगा, पर उनको इसका शॉर्ट फॉर्म समझ आएगा, DLL। जी फ्रेंड्स, DLL फाइल्स को मॉडिफाई करेगा, बेसिकली सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑफ ब्राउजर को भी टर्न करेगा। रिस्क तो बहुत है, सावधान रहिए। और भी बहुत है फ्रेंड्स, आगे सुनते जाएं। एड्रोज एक डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करेगा विया थ्रू ड्राइव बाय डाउनलोड, मतलब इसके जरिए आपके डिवाइस के टेम्पररी फोल्डर में क्विक ऑडियो एक्सी और कन्वर्टर एक्सी जैसे फाइल्स को ऐड करेगा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देखकर भी समझेंगे कि ये नॉर्मल फाइल है, और ये मालवेयर फिर इंस्टॉल करेगा जस्ट लाइक यूजुअल प्रोग्राम जो एप्स और सेटिंग्स के अंदर शो होगा। तो दोस्तों, बताता जाऊँ तो और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए थोड़े टिप्स बताता हूँ इससे बच के कैसे रह सकते हैं। एंटीवायरस, पता है आप पहले से ही अंदाजा लगाए होंगे। यस फ्रेंड्स, एंटीवायरस आपको इस रैनसमवेयर से तो बचा नहीं पाएगा, पर आपकी मदद करता रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ी ही कर सकता है, क्योंकि बाप है ना वो, इसीलिए आप एंटीवायरस को ज्ञान देते रहें, ज्ञान वो खुद समझ लेगा। आप सिर्फ अपडेट करते रहे, मतलब उसको आउट ऑफ डेट मत रखे। चलिए और एक दो टिप्स दे देता हूँ। ब्राउजर में एक्सटेंशंस यूज मत करें, और ऐसे वैसे वेबसाइट्स पर मत जाए करें, और सॉफ्टवेयर्स को फ्री वर्जन देने वाले वेबसाइट्स पर डाउनलोड मत करें, और हो सके तो अपना सिस्टम का एक बैकअप बना के रखें। और अगर इतना करने के बाद भी आपके सिस्टम पर ये अटैक हुआ तो डरिए मत, करना सिर्फ इतना है, सबसे पहले नेटवर्क के वॉइस को रिमूव कर दीजिए, मतलब नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और वेबसाइट्स में उसको रिमूव करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर एट्रिक्स मत यूज करें, और वो रिसेंटली भी अपलोड हुए हो, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको रिमूव करने के लिए तो वो और रिस्क भी बढ़ जाएगा, और पुलिस की मदद भी ले लिए तो बेहतर होगा। ये अगर आपके सिस्टम में कोई इंपॉर्टेंट डाटा जो उस बाप के काम ना आने वाला हो तो नेटवर्क ऑन करके ईद करने को कहे। अगर कोई हेल्प या डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, डाउट्स आए तो पूछिए दोस्तों। तो इतना ही आज के वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिल सके और ऐसे वीडियोस और भी बना सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।